हल्द्वानी में आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। वहीं अंबेडकर पार्क से एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जो शहर से होते हुए वापस पार्क में समाप्त हुई। इस मौके पर विधायक सुमित हृदेश भी पहुंचे और बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया। वहीं बाबा साहब की याद में शोभा यात्रा के माध्यम से झांकियों को प्रदर्शित किया गया, जिसमें बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान को किस प्रकार से देश में लागू किया गया इसके बारे में बताया गया। हमारे द्वारा दिल से मन से तन से याद किया जा रहा है बाबा साहब ने, बाबा साहब की वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हैं। बाबा साहब की वजह से हमारे बाबा साहब ने जो कुछ किया है वो कम है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने जब भारत आजाद हुआ इसका सुंदर संविधान लिखा और सारे नर नारी को जो है वोट डालने का अधिकार दिया और उसके साथ साथ ही हमारे भारत को संविधान दिया और सभी समाज के सभी जाति वर्ग के लोगों को जो है उस संविधान के तहत उनको सम्मान मिला। इसलिए जो है आज जो है बाबा साहब की जयंती के दिन हम 14 अप्रैल 2023 को जो है एक भव्य रूप से मनाने का प्रयास है हमारा और यह हमारी झांकी जो है अम्बेडकर कॉलेज के मैदान में समाप्त होगी। उसके बाद दमाडुहा अम्बेडकर पार्क में जनसभा का आयोजन किया होगा। हम उनको याद करते हैं और जो उनका रास्ता बताया हुआ रास्ता उस पर चलने का हम सबको प्रयास करना चाहिए। उन्होंने शिक्षा की बात, संविधान के हमारे स्तंभ हैं, कहीं ना कहीं आप माने या ना माने आज वो कहीं ना कहीं खतरे में है।